पटना से गिरफ्तार पंकज सिंह ने ट्रंक से पेपर चोरी किए हैं और जिसके बाद उन्होंने उसे लीक किया गया। पंकज सिंह उर्फ आदित्य सिविल इंजीनियरिंग कर चुका है हजारीबाग से। गिरफ्तार राजू पर आरोप है कि उसने लीक पेपर को बांटा था। तो ये दो और लोगों को अब सीबीआई ने इस पूरी जांच के तहत अरेस्ट किया है। मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, सीबीआई लगातार इस पर जांच कर रही है, बिहार से अब दो और गिरफ्तारी, कितने लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और कहां पहुंची है जांच? देखिए, बिल्कुल दो अहम गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हुई हैं। पटना से पंकज उर्फ आदित्य को गिरफ्तार किया गया है और इस पर आरोप ये है कि ये ट्रंक से जो नीट के पेपर थे इसने ये पेपर चोरी किए थे और फिर इन पेपर्स को इसने आगे डिस्ट्रीब्यूट किया। वहीं हजारीबाग से राजू सिंह नाम के शख्स को पकड़ा है। राजू सिंह पर आरोप ये है कि वो जो चोरी किए हुए पेपर थे ये आगे लोगों को बांटता था। तो ये दो अहम गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हुई हैं। सीबीआई अपनी एफआईआर में अब तक इस मामले में कुल 13 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है। जो पंकज उर्फ आदित्य है इसने सिविल इंजीनियरिंग की है और सीबीआई के मुताबिक ये गिरफ्तारी जो पंकज की है वो काफी अहम है क्योंकि ये बीच की एक अहम कड़ी है। तो इसे गिरफ्तार किया गया है और साथ में उसके साथी राजू को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई लगातार इस केस में गिरफ्तारियां कर रही है और अब तक 13 लोग ऐसे हैं जो सीबीआई ने खुद गिरफ्तार किए हैं, जबकि 13 आरोपी ऐसे हैं जो कि बिहार पुलिस ने पकड़े थे, उनको भी सीबीआई ने रिमांड पर लिया है। तो कुल 26 आरोपी अब तक इस पूरे मामले में जो सीबीआई है वो अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं सीबीआई के मुताबिक जो इस केस का किंग पिन है रॉकी, उसको भी सीबीआई ने कुछ दिन पहले पकड़ा था और रॉकी पर आरोप ये है कि वो व्हाट्सएप के जरिए और अलग अलग सोशल मीडिया ऐप के जरिए वो अलग अलग लोगों को पेपर भेज रहा था। तो इस तरह से सीबीआई लगातार इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां कर रही है और सीबीआई ने अपनी तरफ से 13 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जबकि 13 आरोपी ऐसे हैं जो कि बिहार पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए थे, उनको सीबीआई ने फिलहाल रिमांड पर लिया है और उनसे भी पूछताछ चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।